मैंने इसमें मैंने अपने दोस्तों को खोया है कि जब मैं पेंशन आऊं तो गांव में कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे अब जो मैंने भोगा है उस... तो वो भी अपनी बेटियों के ग्राउंड में भेजे और उनका जो भी लक्ष्य है उन्हें उन लक्ष्यों तक पहुँचाए। सबसे बड़ी बात तो यही है भी मेरे दिल में जो भी आता है वो मैं गाँव के लिए करता हूँ चाहे कुछ भी हो। वो द ग्राउंड नेटवर्क देखने वाले सभी साथियों को सुप्रभात। मैं आपका अपना विक्रम इंदौरा आज मैं पहुंच चुका हूं नाथूश्री कला में और आप ये देख सकते हो मैं जिस स्थान पे मौजूद हूं वो क्रिकेट का मैदान है और आप ये भी देख सकते हो मेरे पीछे कि किस प्रकार जो है तैयारियां यहां पर सुबह सुबह करवाई जा रही है और यहाँ पर नाथूश्री कला के हरि सिंह जी है जो कि फौजी है और एक विनोद कस्मा जो कि आर्मी से रिटायर है और अब वर्तमान में हरियाणा पुलिस में तैनात है उनकी देखरेख में बच्चों को तैयारियां करवाई जाती है। किस तरीके से बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल बनाया जा सकता है आप ये मेरे पीछे की तमाम वीडियो आप देख सकते हो। भारी मात्रा में यहाँ पर युवा साथी भी है और यहाँ पर लड़कियाँ भी है जो कि यहाँ पर सुबह सुबह जिनको डिफेंस की तैयारियाँ करवाई जाती है। लगभग 150 बच्चे यहाँ पर रोजाना नियमित रूप से आते हैं और उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए यहाँ पर वो डिफेंस की तैयारियाँ भी करते हैं और आपको यह भी बता दें कि निःशुल्क जो है कोचिंग सेंटर भी स्पेशल उनके लिए यहाँ पर खोला गया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इन तमाम बातों की हम जानकारी लेंगे आज हमारे साथ जो फौजी हैं यहाँ पर जो तैयारी करवाने वाले हैं हम उनसे भी बात करेंगे, जो पढ़ाने वाला जो स्टाफ है हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ विनोद कस्मा जी जुड़ेंगे जो कि आर्मी से रिटायर है और वर्तमान में हरियाणा पुलिस में तैनात है तो इनका यह सराहनीय कदम है पूरे क्षेत्र के अंदर एक मिसाल बना हुआ है। सबसे पहले तो कस्मा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। थैंक यू, आपका भी हमारे ग्राउंड में बहुत बहुत धन्यवाद। कस्मा साहब अगर हम इस गांव की बात करें आपके गांव की तो ये जज्बा और ये उमंग आप में ये कहां से पैदा हुई, किस तरीके की ये सोच है, किस तरीके से विकसित हुई? सर जब हम फौज में गए थे तो पीटी के वहाँ पर करवाते हैं और जब मैं भी यहाँ दौड़ता था स्टार्टिंग में तब भी तब से ये था मेरे अंदर जज्बा। और अब ये जब मैं पेंशन आया मान लो 2 साल के तकरीबन हो गए तो गांव के जो लड़के थे वो रोड पर दौड़ते थे भी 10-5 उस मोहल्ले वाले उधर दौड़ लेते थे, कोई 10-5 इधर दौड़ लेते थे, अलग अलग थे। तो कुछ बच्चे मेरे पास आए कि सर हमारे को इसकी प्रैक्टिस करवा दो जी। तो मैं बोला यार प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा लेकिन मेरे को इकट्ठे करवानी है पूरे गांव के साथ एक साथ जी। तो फिर ये 2-3 लड़के हैं जैसे प्रहलाद सिंह है, धोनी है, भरत सिंह है, ये 2-3 लड़के हैं। बोला सर गांव में ट्रैक बनवा लेते हैं मिट्टी डाल के जी। तो फिर ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिला, अभी भी काम हमारा प्रगति पर है, पूर्ण काम हुआ नहीं है, चल रहा है धीरे धीरे। और फिर ये ट्रैक बनाया और पूरे लड़के एक साथ दौड़ने लगे। इस ट्रैक का बनाने का मेरा मकसद था कि जो गांव में 15-20 साल के से ऊपर के लड़के हैं वो तो रोड पर दौड़ सकते हैं जी। आप देख रहे हो सुबह से ये जो 5-5, 4-4, 6-6, 7-7 साल के लड़के हैं ये रोड पर नहीं जा सकते जी, जी। ना घर वाले भेज सकते कि एक्सीडेंट का डर है, बच्चा पीछे रह जाएगा, अकेला किसके साथ रहेगा। ग्राउंड प्रैक्टिस में ये बच्चा इनके साथ करेगा जी। अगर ये पीढ़ी इस ओर आती है तो ये एक नशे से भी दूर रहने का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उसको ट्रैक की लत लगेगी, नशे की नहीं लगेगी। बिल्कुल। और यहाँ एक अच्छी चीज़ सीखने की मिलेगी। और इस ग्राउंड में जब मैं आया देखा इन बच्चों का जोश देखा, इनकी उमंग देखी तो मेरे को इनसे जो आधा पौना घंटा घंटा करवाने की सोच थी अब 2-2 घंटा निकल जाते, पता भी नहीं चलता। आपका जो प्रदर्शन आप देख रहे हो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया आ रहा है? तकरीबन गांव में 20-25 बंदे ऐसे हैं जो स्टेम अगर टेस्ट हो तो फिजिकल टेस्ट के लिए वो परफेक्ट है। और बाकी बच्चे छोटे छोटे हैं जिनकी उम्र नहीं हो रही है और कुछ लड़कियां हैं वो भी परफॉर्म कर रही है, 2-5-7 लड़कियां अच्छी लड़कियां हैं, कुछ रनिंग में ठीक है, कुछ किसी चीज़ में, हर आदमी में अलग अलग क्वालिटी रहती है। तो है हमारे पास 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो अभी आज 20 फिजिकल पार कर सकते हैं, 15-20 से अगली ज़्यादा ही 25-30 बच्चे हैं। बाकी और छोटे बच्चे जैसे जैसे ये चलता रहेगा प्रोग्राम स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। जब हमने शुरू किया था तो ग्राउंड के अंदर 18-20 बच्चे थे, आज आप देख रहे हो 100 से ऊपर बच्चे हैं। तो ये सब करके आपको कैसा फील हो रहा है? ये सर मेरी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि जब मैं पेंशन आऊँ तो गाँव में कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे अब जो मैंने भोगा है उस टाइम क्योंकि नॉलेज नहीं थी जी। ना तो हमारे को नॉलेज थी ना जो बूढ़े लोग थे उनको भी इस और इतना रुझान नहीं था, पता नहीं था
कि इन बच्चों को कम से कम जो मेरे अंदर बीता वो इनमें ना बीते, कुछ तो नया इनको एक मार्गदर्शन दे जितना हमारे को पता है। और इस काम के लिए मेरे को गांव का भी पूरा सहयोग मिला है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे गांव के लोग हो। अभी तक मेरे को जैसे ही इस बच्चों को दौड़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं मिला है कि किसी ने ये बोला हो कि ये कोई गलत हो रहा है। ये एक गांव की बहुत अच्छी पहल भी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ विनोद कसवा जी, जिन्होंने बताया कि जब से वो पेंशन आए हैं, जब वो आर्मी में लगे थे तो उनकी एक तमन्ना थी कि जब मैं पेंशन आऊं तो इस तरीके का सराहनीय कदम उठाऊं। वाकई में हम कह सकते हैं एक सराहनीय कदम और पूरे क्षेत्र के अंदर एक मिसाल के तौर पे इस नाथूश्री गांव की पहचान बन चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह नियमित रूप से यहाँ पर बच्चे जो है तैयारियां करने के लिए आते हैं। आप ये तमाम वाक्य इस वक्त का आप देख रहे हो, मैं नाथूश्री कला से आपको सीधी कवरेज दिखा पा रहा हूं। इसके साथ साथ हरि सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी आर्मी से रिटायर है, वो भी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर नियमित रूप से आते हैं और उनकी तैयारियां करवाते हैं। विनोद कसमा के साथ हरि सिंह भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। हरि सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया हुआ है। तो किस प्रकार आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, ये हमारे दर्शकों तक समझा जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे गांव में आप आए जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। सर दूसरी बात ये है कि मैं अभी 2 महीने पहले रिटायरमेंट हुआ था जी, और जब गांव में छुट्टी आते थे तो हमारे गांव के आसपास गांव है और हमारे गाँव वाले भी जिनकी उम्र कुछ करने की है जी, जैसे नौकरी वगैरह लगने की है, रोज़गार पाने के, उस उम्र में लड़के सफ़ेद नशे के चक्कर में ज़्यादा जा रहे थे। तो हम छुट्टी आते थे तो सुनते थे कि भाई फलाना चिट्टा खा रहा है, ये चिट्टा खा रहा है, तो बहुत ख़राब लगता था। अभी आने के बाद देखा तो लड़के इधर उधर बिखरे हुए थे, कोई रोड पे कहीं प्रैक्टिस करता था, कोई कहीं। तो बाद में जब ये मेरे साथी हैं जैसे वीरेंद्र कासनिया हो गए, साधु राम हो गए, ठीक है, संजय हमारे बैंक कर्मचारी है, भरत सिंह कासनिया, प्रहलाद, ये सब हमारे पास आए और बोला कि बिट्रैक हम बनवा रहे हैं और आप सिर्फ प्रैक्टिस करवा दो जी। तो हम बोले भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे। इसके बाद हमने शुरू किया, शुरू करने के बाद में हमारे पास 10-15 लड़के आए फर्स्ट में, इसके बाद धीरे धीरे जुड़ते गए जी। और गांव की तरफ से सरपंच साहब का और इससे पहले जो सरपंच साहब रहे हैं उनका, तमाम गांव वालों का अच्छा सहयोग मिला, गांव वालों भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो भी हमारे को इक्विपमेंट की ज़रूरत थी इस ग्राउंड के अंदर, तो आर्थिक मदद की उन्होंने और अपना अच्छा सहयोग दिया, उनकी बदौलत आज हमने ये सब प्रैक्टिस शुरू करवाई है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। हमारे लड़के बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ब्रासरी गए थे हम, वहाँ पे हमारे फर्स्ट लड़के ने 4:40 में रेस मारी है और 5:10 तक हमारे सभी लड़के ने क्लोज कर दी रेस। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रही है और हमारे लड़के बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में आ रहे हैं और नशे से दूर हैं जी। अरसिंह जी, हम गर्व के की अगर बात करें तो तमाम उन युवाओं को देखते हैं, उनको दैनिक जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो चाहे वो कोई और परेशानी हो, इस बारे में आपका क्या मत है? सर वैसे तो लड़के मीडियम परिवार से हैं जी, पर फिर भी कुछ हैं, एक दो लड़के हैं जिनको हम, जो हमारे को सहयोग मिला है उसी सहयोग से हम, जिसको जैसे किसी के पास जूते की कमी है या फिर किसी को आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो हम करवाते हैं। बाकी हमारा यहाँ पे जो भी होता है, जैसे हमारे गांव के मास्टर जी हैं मनीष राठौड़ जी, तो वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक वो जॉब नहीं मिली है जी। वो खुद तैयारी करते हैं तो उनके पास हम गए, उन्होंने बोला कि मैं फ्री में तैयारी करवाऊँगा बच्चों के जी। तो वो भी 2 घंटा शाम को बच्चों को तैयारी करवाते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर निःशुल्क है जी, और किसी भी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी मदद करते हैं। दूसरा हमारे गांव से जो अभी सरपंच साहब हैं, उनसे पहले जो सरपंच साहब थे रघुवीर कड़वासरा जी, उन्होंने अभी 10-15 दिन पहले 11,000 रुपये का नगद आर्थिक सहयोग दिया था। इसके बाद उन्होंने बोला कि हर सोमवार को हमारा यहाँ पे रिटर्न और फिजिकल टेस्ट होता है, तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में केले और दूध जी, वो हर सोमवार को यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं जी। तो कहने का ये मतलब है कि
भरपूर सहयोग मिल रहा है हमें। आज का अगर हम बात करें तो आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, थोड़ी देर बाद में यहाँ के जो सरपंच है वो भी आएंगे, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आज की? जी जो अभी प्रेजेंट टाइम के सरपंच साहब है उनको हमने बोला था कि हमें एक सर्दी आ रही है तो हमें एक ट्रैक सूट का सहयोग चाहिए जी, सभी बच्चों के लिए ट्रैक सूट का चाहिए, तो उन्होंने हमारी बात मानी और उन्होंने हाँ भर ली, तो हमारे ट्रैक सूट तैयार करवा लिए हमने, आज वो वितरण करेंगे। एक अंतिम प्रश्न है सर आपसे, हम तमाम उन गांवों को देखते हैं, हर गांव में फौजी मिल जाता है लेकिन ऐसी सोच वो विकसित नहीं कर पाते हैं, जो तमाम युवा साथी है जो भी आपको इस वक्त देख रहे हैं, क्या संदेश उनको देना चाहोगे? सर देखने को मिलता है कि जो बंदा रिटायर्ड आता है तो ज़्यादातर अपने काम में ही लग जाता है, क्योंकि आर्मी में या डिफेंस में जो भी बंदा रह के आता है तो सिविल का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बस मेरा जो भी संदेश जहाँ पर भी पहुँचे, जो मेरे आसपास 45 में जहाँ भी पहुँचे, तो मेरी उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जो इन 6 महीनों में रिटायर्ड हुए हैं तो वो अपना टाइम निकाल कर और अपने गांव के बच्चों को ये सब शुरू करवाएं, ताकि बच्चा नशे की ओर ना जाए, रोज़गार मिले उसको, और रोज़गार ना मिले तो कम से कम अपना शरीर फिट हो जी। तो मेरा यही संदेश है कि जो भी मेरे फौजी भाई रिटायर्ड है मेरे 45 के अंदर, वो ये मुहिम उठाएं चलाएं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ आर्मी से रिटायर हर सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी इन 6 महीनों के दौरान रिटायर जो फौजी हुए हैं वो भी गांव के हित में ये सराहनीय कदम उठाए और गांव की तरक्की के लिए, गांव के विकास के लिए ऐसी वो पहल करें। हम यहां के जो पूर्व में सरपंच रहे हैं और सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं, रुकबीर कड़वासरा जी है, हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले कड़वासरा साहब आपका स्वागत है। राम राम जी, आपको स्वागत है गांव की तरफ पूरा। कड़वासरा साहब, हम आपके गांव को देखते हैं तो आपके गांव का नाम आज एक उज्जवल भविष्य गांव के तौर पर लिया जाता है, एक अलग पहचान है आपके गांव की, तो ये सब कुछ हो रहा है, ये ऐसी सोच कहां से विकसित हुई, कैसे पैदा हुई, क्योंकि हम उन तमाम गांवों को देखते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। मेरा गांव हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और पूरे गाँव का इस ग्राउंड के अंदर पूरे गांव का सहयोग रहता है, और जो ये विनोद जी हरसिंह जी रिटायर होकर के इन्होंने टाइम दिया है, इनका गांव और पूरा स्टेट और देश इनका आसान बंद रहेगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसके पास है जिम जाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए भाई सुविधा नहीं, पैसे नहीं होते, वो यहाँ निःशुल्क करवा रहे हैं, और पूरा हरसिंह जी का और विनोद जी का पूरे गांव की तरफ से मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। प्रतिभा हर गांव में, हर बच्चे में होती है, उसको आगे लाने के लिए आगे होने की ज़रूरत है। जो मुखिया गांव के सरपंच हो, नंबरदार हो, जो भी मौजूद आदमी हो, जिसके पास टाइम हो, रिटायर हेडमास्टर हो, कोई प्रिंसिपल हो, फौजी हो, जो भी हो, आगे आए और सामाजिक कार्य में पूरा पूरा हिस्सा लें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व में सरपंच रहे रुकबीर कड़वासरा जी, जिन्होंने सभी से ये एक अपील की है कि जो भी सरपंच है, नंबरदार है, रिटायर आर्मी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, वो भी इस तरीके के जो सामाजिक कार्य है उनको बढ़ चढ़ करके करें और वो गांव की तरक्की और विकास के लिए आगे आए। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि जो कर्मचारी है वो भी पे बैक टू सोसाइटी करते हैं। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब ये होता है कि जो उनको तनख्वाह जो मिलती है पर मंथ, उनका जो हिस्सा है वो सामाजिक कार्य में लगाते हैं। कुछ कर्मचारी है इस गांव के, जिन्होंने इस बच्चों के लिए, अपने गांव के तरक्की और विकास के लिए वो जो है पे बैक करते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, जो यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्यूशन सेंटर जो चलाया हुआ है, जिनमें करीबन हम आपको बता सकते हैं कि 150 बच्चे नियमित रूप से यहां पर पढ़ते हैं और उनकी क्लासें जो लगती है, हम टीचर से भी बात करेंगे इस वक्त। हमारे साथ वो टीचर हैं। सर क्या नाम आपका? मनीष राठौड़। अच्छा मनीष राठौड़ जी, आपका ये सराहनीय कदम पूरे क्षेत्र के अंदर एक मिसाल बना हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब मैं बैंकिंग का स्टूडेंट हूँ तो मैं घर पे स्टडी करता था, होम में स्टडी करता हूँ घर पे, तो ये सर बोले कि बच्चों को मैथ करवाना है जी। तो मैं फ्री था तो मैंने बोल दिया भाई ठीक है, मैं शाम को डेली 2 घंटे ट्यूशन लगवा लूँगा। तो
इन्होंने बोला कि कोई कॉस्ट है तो बता दो, आपको कुछ लेना है। मैंने मना कर दिया क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ गांव के सेवक से चल रहा है जी। मैंने बोल दिया कि नहीं भाई, अपना तो कुछ जाना है नहीं जी। दो घंटे घर पे कम लगा के तो मैं बच्चों को मैथ करवा देता हूँ यहाँ पे जी। और पिछले एक डेढ़ महीने से 100+ बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं कोचिंग फ्री। 7-8 स्टूडेंट वो भी है जो पहले हिसार कोचिंग किया करते थे, वहाँ उनको रास नहीं आया, सभी यहीं तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल मेडिकल सब चीज़ की यहाँ फ्री सुविधा है तो मैं फ्री में यहाँ मैथ करवाता हूँ। नहीं, हम उम्र बच्चे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई पूछता है बता देते हैं। बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बहुत अच्छे से इनकी प्रोग्रेस अच्छी है। अच्छा, पहले लेवल बहुत कम था इनका, अभी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मार्क्स भी 100 में से 60-70+ आ रहे हैं, चांसेस है सभी बच्चों का हो जाएगा। जितने बच्चे हमारे पास हैं, 10-15 बच्चे भी इस भर्ती में एलिजिबल है, उनका हो जाएगा आराम से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ इस वक्त जो कर्मचारी साथी है जो इन बच्चों को पे बैक करते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत है हमारे गांव में। तो सर, सबसे पहला सवाल आप ये रहेगा कि जो तमाम जो कर्मचारियों को हम देखते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं बीवी और टीवी के चक्कर में रह जाते हैं, तो आप ये पे बैक कर रहे हो सोसाइटी के लिए, कैसा लग रहा? अच्छा फील हो रहा है सर, अपने गांव के लिए कुछ करना अच्छी बात है। मैं सभी को कहना चाहूँगा जो भी कर्मचारी है जितना हो सके वो अपना सहयोग दें जी। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो फौजी भाइयों ने लिया है जी। इससे बच्चे जो गांव के बच्चे जो नशे से दूर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्ल्स पावर को भी पूरी इक्वली दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। यंग गर्ल्स भी आप देख रहे हो जी जी, बिल्कुल इक्वली इम्पोर्टेंस दी जा रही है यहाँ पे। ये सर। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या कहना? जी, मेरा तो ये मेन मकसद ये है जी, मेरे गांव को नशे से बचाना। अच्छा जी। क्यों, मैंने इसमें मैंने अपने दोस्तों को खोया है। अच्छा जी। ये मेरा सबसे मेन मकसद यही है, भी आने वाली युवा पीढ़ी है वो सारी नशे से बचे। क्या नाम है? साधुराम। हाँ जी सर। मेरा नाम वीरेंद्र है सर। हमारे गांव का पूरा सहयोग मिल रहा है सर, इसमें हमारे कोचिज हमारा पूरा स्टाफ है सर, अच्छी तरह से बच्चों को गाइडनेस दे रहे हैं। तो हमारे गांव से यही रिक्वेस्ट है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो दे रहे हैं ना उनको मिल सके जी। सर, तो कैसा महसूस हो रहा है ये? सर, बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है सर बच्चों को देख कर भी। हमने भी की थी लेकिन हमारा हो नहीं पाया सर, लेकिन हमारा ये मेन मोटिव है कि जो बच्चे हैं ना उनका हो जाए तो संतुष्टि है। वर्तमान में स्टडी में क्या चल रहा है? स्टडी में सर मेरी हरियाणा पुलिस की तैयारी चल रही है सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भी सर वैसे फिजिकल क्लियर थे लेकिन फाइनल में नहीं हुआ। हम कामना करते हैं हम नेक्स्ट टाइम आए तो आप जो है उस समय सर्विस में हो। ठीक है सर, थैंक यू सर, कोशिश। एक बात इसमें आपको और बता दें कि यहाँ पर जो 150 बच्चे जो नियमित रूप से रोजाना आते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ का हम कह सकते हैं जो पौधा लगाने वाला सबसे पहले जिसने शुरुआत की, जिसके मन में आया भी क्यों ना इस गांव के हित में कोई ना कोई कदम उठाया जाए, तो वो शख्स कोई और नहीं युवा साथी प्रहलाद कसनिया का चेहरा इस वक्त आप हमारी वीडियो में देख रहे हो। प्रहलाद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका स्वागत है भाई साहब, आप हमारे गाँव में आए और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। प्रहलाद जी, आपने ये पौधा लगाया और आपने जो पौधा लगाया था आज इस कदर बढ़ चुका है कि वो पौधा अब फल फूलने लगा है, वो फल देने लगा है, तो ये जानकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है, अभी जो हमने चीज़ शुरू की थी वो अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा जी। और ये मेरे दिमाग में सबसे पहले आई भी, मैं एक दो बार कहीं गया था जैसे तरकवाली हो गया, रूपावास हो गया, वहाँ लड़के देखे भी हाँ या फौजी रिटायर हैं वो तैयारी करवाते हैं बच्चों को जी। तो मैंने सोचा भी हमारे गांव में रिटायर फौजी कोई आए हमें यह चीज़ करवाए, तो हमने एक बार ट्रैक बनाया था आरओ स्कूल में जी। तो वहाँ गर्ल हॉस्टल शुरू होने की वजह से वो बंद हो गया जी। वहाँ साबराम और रतास फौजी थे वो तैयारी करवाते थे, उनके बाद वो भी छुट्टी चले गए या बंद हो गई, फिर हम दौड़ पे कोई कहीं रनिंग करता था जी। इसके बाद हमने ये चीज़ चालू कराई यहाँ, इसके बाद हमने सर को बोला भी सर आप हमें तैयारी करवाओ, उन्होंने हमें तैयारी करवाई और ये चीज़ आपके सामने आज कहाँ तक पहुँच गई। मेरे को बहुत खुशी है इस चीज़ की और मेरी कमेटी है जो मेरा बहुत साथ देती है, मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ भी ये मेरे साथ हैं दिन रात, हम जिस भी टाइम हमें टाइम मिलता है हम यहाँ आके अपना काम करते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं प्रहलाद जी, आप दिखने में बहुत ही छोटे लगते हो लेकिन आपने जो काम किया है ये बहुत बड़ा किया है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? विचार कुछ नहीं है, जैसे मेरे दिल में आया मैंने कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यही है भी मेरे दिल में जो भी आता है वो मैं गाँव के लिए करता हूँ, चाहे कुछ भी हो वो जी। हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी आपका। धन्यवाद भाई साहब। यहाँ आपको
यह भी बताना जरूरी है कि इस गांव की खास पहचान यह भी है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आती है। हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे की अगर बात करें तो ये खरा उतरता है इस गांव के अंदर, क्योंकि जो हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं कि महिलाएँ जो है आगे नहीं आ पाती, तमाम तरह की बाधाएँ उन पर जो डाली जाती है, लेकिन नाथूश्री कला में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देख सकते हो लड़कों के साथ साथ लड़कियां हैं वो भी प्रैक्टिस करती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर है। ये लड़कियां जो है सुबह सुबह आती है और ये प्रैक्टिस करती है। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम मोनिका। अच्छा मोनिका जी, जब आप घर से बाहर आते हो तो हम तमाम उन महिलाओं को देखते हैं, अनेक तरह की बाधाएं उनको पार करना पड़ता है, तो इस विषय में क्या विचार है आपके? सर, सभी के घरवाले तो एक जैसे नहीं होते। वैसे मेरे परिवार बहुत अच्छा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे यहाँ बहू हूँ फिर भी भेजते हैं भी अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तैयारी करो। और मैं सभी से यही निवेदन करती हूँ कि जो भी घरे बेटियाँ है बहू है, अगर वो चाहे तो कोशिश करे तो उसके परिवार वाले उसे साथ दे और उसे ग्राउंड में भेजे, कहीं भी हो जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, वहाँ पे जरूर भेजे उसे। हम देखते हैं जी प्राय जो लड़कियां हैं वो भी आज कहीं ना कहीं लड़कों से आगे निकल करके बाजी मारती हुई नज़र आती है, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो डिफेंस की बात हो, तो इस विषय में क्या विचार आप? सर, आज के टाइम में वैसे तो लड़के से लड़कियां आगे हैं जी, और बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर मत भेजो, भी अलग अलग सोच के लोग हैं जी, और मेरे हिसाब से तो लड़कियों को बाहर भेजने से लड़कों से आगे ही रहती है लड़कियाँ, वैसे पीछे नहीं रहती, कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती। अच्छा, आप यहाँ पर आते हो और इतने जब बच्चे आते हैं उनके साथ आप दौड़ते हो तो कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मेरे परिवार वाले भेजते हैं मुझे, पूरी तरह की खुल दे रखी है भी, किसी की कोई दबाव नहीं है भी, दिल से तैयारी करो जी, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे गाँव वालों का भी बहुत सहयोग है। आगे का क्या टारगेट, क्या एम आपने चुना है कि उस फील्ड में मेरे को जाना ही है? सर, मेरा यह है, मुझे डिफेंस की तैयारी करनी है, चाहे वो आर्मी हो या पुलिस हो जो भी हो जी, मुझे डिफेंस में जाना है। और हमारे सर है वो भी बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, कोच सर हर सिंह सर जी, बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? कैलाश। अच्छा कैलाश जी, आप यहाँ पर आते हो तो कैसा महसूस हो रहा है? सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम लड़कों के साथ तैयारी करते हैं, ये लड़के भी हमारा सपोर्ट देते हैं, हमें भी सभी ये नहीं है, हमें अच्छा सपोर्ट देते हैं, सर भी हमें अच्छा सपोर्ट देते हैं, गांव का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमारे सरपंच साहब हैं, उन्होंने हमें अभी किट मंगवा के दी है, वो आपके सामने देख लेना, और गांव वालों का भी बहुत सहयोग है, वो हमारे यहाँ पे आते हैं, बुजुर्ग लोग हैं वो भी आते हैं और हमें अच्छा सहयोग दे रहे हैं। किला जी, आपकी अगर बात करें तो आपने क्या अपना एम बनाया है, क्या टारगेट चुना है भी उस फील्ड के अंदर मेरे को जाना ही है, क्या टारगेट रहेगा आपका आगे? सर, टारगेट ये है कि आर्मी हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर आईएएस हो, आईपीएस हो, कुछ भी सर, हमें डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म निकले हम अप्लाई कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ डिफेंस की, डिफेंस की तैयारी। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगी? मैसेज ये देना चाहते हैं सर कि जो हमारे गांव में है भी सभी लड़कियां हैं तैयारी कर रही हैं, ये नहीं है सभी ने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, अभी सभी हैं यहाँ पे आए हमारे साथ तैयारी करें, हमारा सपोर्ट दें, सभी अपनी बेटियों को भेजें यहाँ पे और हमारे साथ भी तैयारी करवाएं, वो भी आगे जा सके हमारी तरह। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम रवीना है जी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैंने प्लस टू किया, अब बीए कर रही हूँ आगे। अच्छा अच्छा, रवीना जी एक बात बताइए, हम उन तमाम लड़कियों को देखते हैं जिनके घर वाले जो है उन लड़कियों को बाहर भेजने में संकोच करते हैं, यह संकीर्ण मानसिकता जो उनकी बनी हुई है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम यही मैसेज दे रहे हैं ताकि हम यहाँ पे आ रहे हैं ग्राउंड है, हमारे साथ साथ उन लड़कियों को भेजें, गाँव वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमारे साथ है, और यहाँ पे ये नहीं है हमें सिर्फ आर्मी की तैयारी करवाई जाती है, हमें यहाँ पे स्टडी भी करवाई जाती है, पहले आर्मी की तैयारी करवाई जाती है फिर हमें स्टडी करवाई जाती है, ताकि हम घर पे तो पढ़े ना पढ़े लेकिन यहाँ हम पढ़ सके और हमारा टेस्ट भी लिया जाता है हर सोम जी। हाँ, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो तमाम आपकी बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं ताकि हम यहाँ ग्राउंड में आए तो वो भी अपनी बेटियों को ग्राउंड में भेजें और उनका जो भी लक्ष्य है उन्हें उन लक्ष्यों तक पहुँचाएं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त जो गांव नाथूश्री कलां की सरपंच है दीपा रानी जी, हम उनसे बात करते हैं। दीपा रानी जी, आपके गांव में बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे यहां पर दैनिक रूप से रोजाना आते हैं,
तो इस विषय में आपने जो गांव के हित में जो कदम उठाया है, ये जानकारी, ये सोच आपकी कहां से पैदा हुई? पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप हमारे गांव में पहुंचे, और जब जहां से अभी हमारे गांव में भी लड़कियां रोज 4 बजे उठकर आती है, जो दो फौजी भाई आ रहे हैं हमारे, उनका ही सहयोग से ये हो रहा है जी। और जो हमारे गांव की लड़कियां हैं वो भी बहुत बहादुर है, जो 4 बजे उठकर जहां पर ट्रेनिंग के लिए आ जाती हैं, चाहे वो फौज में भर्ती होना चाहती है, चाहे वो किसी भी में भर्ती होना चाहती हो, फिर भी वो 4 बजे उठकर आ जाती हैं, और बहुत ही बहादुर है वो लड़कियाँ। और इसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो कि हम उनका पूरा पूरा सहयोग देंगे कि वो आगे बढ़कर हमारे अपने गांव का और अपने माता पिता का राम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ गांव के सरपंच दीपा रानी जी, जिन्होंने बताया कि अगर आगे भी ज़रूरत पड़ी तो हम इनका सहयोग करेंगे। और आप ये तमाम वाक्या इस प्रकार का मैं नाथूश्री कला के खेल स्टेडियम से आपको दे रहा हूँ, आप ये देख सकते हो। ट्रक शूट भेंट किए जा रहे हैं, और हमने यहाँ पर जो फौजी हैं हरि सिंह जी हैं, हमने उनसे भी बात की है, जो विनोद कुमार जी है हमने उनसे बात की है, और पूर्व में सरपंच रहे हैं और वर्तमान में सरपंच हैं, हम उनसे भी बात की है। तो यहाँ पर पता चला कि गाँव के हित में एक बहुत ही सराहनीय कदम इस नाथूश्री कला के युवा साथियों ने उठाया है। एक युवा साथी जो प्रहलाद है, जिन्होंने ये पौधा लगाया था, उनकी ये सोच थी, और एक साथी ने ऐसा बताया कि मैंने नशे में अपने दोस्त को खोया है, तो मेरी ये सोच है कि मैं अपने दोस्त को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन कुछ ना कुछ इस गांव के हित में जरूर मैं एक सटीक कदम उठा सकता हूं, ताकि कोई भी जो मेरे दोस्त हैं वो नशे की चपेट में ना जाए, नशे की लत ले लगे। तो ऐसी सोच विकसित की उन्होंने। आप ये देख सकते हो कि पूरा हजूम उमड़ पड़ा है युवा साथियों का। नाथूश्री कला गांव जो कि हरियाणा के सिरसा जिले में तैनात है, और इस गांव की ये सराहनीय पहल पूरे क्षेत्र के अंदर एक मिसाल बनी हुई है, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे गांव का वो पूर्व सरपंच हो, हर कोई यहाँ पर सहयोग देने के लिए आगे आता है, और इनको भी हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि ऐसी सोच हम उन तमाम गाँव में नहीं देख पाते हैं, जिन गांव में फौजी भी आपको मिल जाएंगे, सरपंच भी मिल जाएंगे, उप सरपंच भी मिल जाएंगे, लेकिन आज भी उन गांवों के विकास में बाधा है, उन गांवों का विकास नहीं हुआ। लेकिन नाथूश्री कला गांव ये पिछले काफी सालों में एक अग्रणी रहा है, विकास के क्षेत्र में भी आगे रहा है, युवाओं का भविष्य बनाने में ही अव्वल रहा है। और आप ये देख सकते हो, अगर 150 बच्चे कहीं भी अगर आते हो तैयारी के लिए, और जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ट्यूशन सेंटर चलाया जाता हो, उनको ट्रैक सूट दिए जाते हो, उनको फ्रूट्स दिए जाते हो, इससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो गांव विकास में कतई पीछे नहीं है, वो गांव विकास में सदैव अग्रणी रहेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये तमाम जानकारी और लोगों तक पहुँचे, वो लोग भी मोटिवेट हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।